जिससे लिया है उसको दो। कर्कश भाषा मत बोलो, दुकानदार हो वस्तु में मिलावट मत करो, तराजू से तौल करके कम मत दो। ये माला पकड़ने से बड़ा भजन है, हैं? ये नहीं माला पकड़ लिया और वहां 100 ग्राम 1 किलो की जगह पर 850 ग्राम तौल के दे। हनुमान जी को कहें, हनुमान जी की कसम 25 पैसे का व्यापार है, 54 से ज्यादा मिलता ही क्या है। फिर रात में, हनुमान जी महाराज पता नहीं पेट के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है, आप तो समझदार हैं, माफ कर दो। फिर हनुमान के सामने चोला चढ़ा के खुश करता है उसे, चमेली का दिया जला करके कितना भुद्दू मान लिया हनुमान को। अपन चतुरा देखो, दिन में 36 बार हनुमान की सौगंध ले, ये ले मंगलवार चोला तेरे ऊपर, तू खुश हो जा। वो नहीं होता चोले से खुश, वो नहीं होता सुंदरकांड से खुश। 36 बार सौगंध और फिर चमेली के तेल में सिंदूर मड़ करके ये ले चढ़ा दिया कटोरा तेरे ऊपर, कुछ नहीं होता उससे। मत कीजिए ऐसा, वस्तु में मिलावट मत करो। मैंने अपनी बहुत बहनों को बोला है, क्योंकि ये इंसान, ये तुम्हारे पति लोग तो मेरी पकड़ में आते नहीं है, उनको तो टाइम ही नहीं आने के लिए। मैं आपको ही बोलता हूं कि जब कोई भी व्यापार बिजनेस करने को आप जा रहे हो तो उसका धरातल देखो। व्यापार ऐसा तो नहीं है कि जिसमें मिलावट करनी पड़ेगी, व्यापार ऐसा तो नहीं है कि जिसको तराजू से कम तौल करके देना पड़ेगा, ऐसा व्यापार मत करना कभी। व्यापार ऐसा करें आप जो शकुन मंदिर में मिलो मिले, वही शकुन तुम्हें तुम्हारी दुकान पर मिले, तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें वही शकुन मिले। व्यापार सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं है, व्यापार इसलिए भी किया जाता है कि तुम्हारे व्यापार से हजारों हजारों लोगों की रोटियां चलती हैं। तो तुलाधार वास कहते हैं कि कर्म ही मेरी पूजा है, आपका कर्म आपकी आराधना बन जाए, ऐसा काम कीजिए। आप भाग्यशाली हैं, आपके नीचे 100, 200, 1000, 500 लोग काम करते हैं, आप इतने लोगों को जीविका दे रहे हैं, आप साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमें क्या मिला इस बात की परवाह मत करो, हमने क्या दिया इस बात को सोच करके नाचने लगो, प्रसन्न हो जाओ। मुंबई के बॉर्डर पर एक जगह है बापी, मैंने पूर्व में भी कभी बोला होगा, मैंने बहुत वर्ष पहले यहां कथा करी। मैं एक ऐसी जगह पर गया, पेन की फैक्ट्री थी, कलम बनती पेन, 5000 लोग काम कर रहे थे। उनके निमंत्रण पर मैं पहुंचा, मन बहुत खुश हुआ देख के। सेठ जी की उम्र 82-83 वर्ष की थी। मैंने कहा लाला जी इतना बड़ा कारोबार बच्चे भी संभाले हैं, अब आप क्यों आते? तो पहला उनका शब्द था कि मेरा भगवान ही इतने रूप में काम कर रहा है, पहला शब्द उनका। बोले इनको देखकर, इनका दर्शन करके मुझे सुकून होता है। और दूसरी बात उन्होंने कही, परिवार चलाने के लिए अब हम व्यापार नहीं करते, हमें खुशी मिलती है कि हमारे व्यापार करने से 5000 परिवारों की रोटियां चलती हैं, इसलिए हम व्यापार करते हैं। और यही होना चाहिए।